हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक टाउन हॉल 9 का मस्त अटैक स्ट्रेटजी लेके आया हूं। तो दोस्तों, ये वाली स्ट्रेटजी के पिछले दो दिनों से मैं काम कर रहा था थोड़ी स्ट्रेटजी के ऊपर, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मेरे को मिले। बहुत सारे 3-स्टार अटैक्स तो आप यूज कर सकते हैं इन वॉर में। आप बेझिझक यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉर में यूज कीजिए, मल्टीप्लेयर में यूज कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस स्ट्रेटजी के साथ। तो दोस्तों, पहले थोड़ा प्रैक्टिस, जैसा कि मैं हर स्ट्रेटजी में बोलता हूं, थोड़ा प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना अटैक करने से पहले। एंड चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग अटैक्स में चलते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक जरूर देना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है। तो चलिए अटैक्स में आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा फ्रेंड्स फर्स्ट बेस, और बेस डिजाइन बहुत ही बढ़िया। बेस डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे डिफेंसेज अपग्रेडेड हैं, वॉल्स इवनली वॉल्स अपग्रेडेड हैं। मेरी स्ट्रेटजी जो है गाइस, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्वीन चार्ज के साथ ड्रैगन्स यूज कर रहा हूँ। 5 ड्रैगन्स 1 बेबी ड्रैगन। बेबी ड्रैगन हेल्प करेगा क्वीन वॉक में, थोड़ा फनल क्रिएट करेगा ताकि क्वीन जो है राइट डायरेक्शन में जाए। एंड उसी के पास मेरे पास 8 बलून्स है और 1 लावा हाउंड है क्लैन कासल में। स्ट्रेटजी कितनी अच्छी इफेक्टिव है आपको अभी पता चलेगा जब मैं आपको अटैक दिखाऊंगा। तो चलिए अटैक में जंप करेंगे और अटैक जो है स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ से क्वीन वॉक स्टार्ट करा। अब गाइस, अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्वीन वॉक कहाँ से करनी चाहिए, तो उसके बारे में बहुत चीज़ें हैं जो आपको मतलब इन माइंड रखना पड़ता है। तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि एक क्वीन वॉक गाइड आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको एक क्वीन वॉक गाइड चाहिए, टाउन हॉल 9 के प्लेयर हो, 10 के प्लेयर हो, 11 के प्लेयर हो, तो मेरे को ज़रूर बताना इन कमेंट्स में। एक गाइड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा क्वीन वॉक आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए अगर आप क्वीन वॉक कराना चाहते हो और आपको प्रॉब्लम होता है क्वीन वॉक में, ठीक है, वो एक बार मेरे को ज़रूर बताना। तो चलिए अटैक में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्वीन वॉक यहाँ से स्टार्ट करी। एनिमी क्वीन यहाँ पे टारगेट में है और एनिमी क्वीन आराम से डाउन हो गई है। कोई डिफेंस टारगेट नहीं ले रहा, इसलिए मेरे को रेस स्पेल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरी क्वीन यहाँ पे अच्छी खासी मार्च करने वाली है। देखिए, एक एयर डिफेंस यहाँ पे एक्सपोज्ड है और उसी के साथ थोड़े डिफेंसेस भी एक्सपोज्ड है, तो मैं बेबी ड्रैगन का मदद लूंगा। पर उससे भी पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि आपकी क्वीन जो है वो ठीक डायरेक्शन में मूव करे। ऐसा ना हो कि आप जिस साइड जाना चाहते हैं, आपका क्वीन जिस साइड ले जाना चाहते हैं, अलग डायरेक्शन में चल जाएगी और फिर आपका अटैक जो है टोटली गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको वो चीज़ बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अब जैसे कि मेरे को पता चल, यहाँ तक मेरे को बिल्कुल पता चल गया है कि क्वीन राइट साइड को ही जाने वाली है, इसीलिए मैंने यहाँ पे किंग को डिप्लॉय करा ताकि किंग लेफ्ट साइड में जाए और ये वाला एयर डिफेंस है उसे टेक डाउन करे। क्वीन एक वाली एयर डिफेंस को टेक डाउन कर रही है, किंग एक एयर डिफेंस को टेक डाउन कर लेगा, मतलब हमारे पास 2 एयर डिफेंस जो है निकल चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। क्लैन कासल से यहाँ पे मैक्स वेलक्रीज वगैरह निकली थी शायद से, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइजन किया वेलक्रीज को और क्वीन को रेज कर दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वेलक्रीज बहुत ज़्यादा डैमेज तो करती है, पर पॉइजन के अगर अंडर आप रख देते हैं एंड उसी के साथ आप रेज यूज़ करते हैं हीलर्स के ऊपर, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे किंग ने बहुत अच्छा काम किया था, विजर्ड टावर को टेक डाउन किया, एक एयर डिफेंस को टेक डाउन किया और एट लास्ट मेरा जो किंग है वो अब मर चुका है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंग ने अच्छा काम करके गया है मरने से पहले। क्वीन वॉक अभी भी बिल्कुल सही चल रही है। अब मैंने कोई रेज स्पेल यूज़ नहीं करा, मैंने उसकी एबिलिटी टैप कर ली और यहाँ पे मैंने अपने ड्रैगन्स को डिप्लॉय करे और अपने बलून्स जो है वो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लालो पोर्शन बोल सकते हैं। ड्रैगन अब बेस को क्लियर करेगा और यहाँ पे मेरा 1 लावा हाउंड जो मैंने क्लैन कासल से लेके आया हूँ मैं, और मेरे पास कुछ बंच ऑफ हेस्ट स्पेल्स, मेरे पास 3 हेस्ट स्पेल्स हैं अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो ये हेस्ट स्पेल्स के मदद से मैं बलून्स को हेस्ट करूंगा और ये पूरा जो बेस है उसे आराम से टेक डाउन करेंगे। क्वीन वॉक देखिए गाइस, अभी भी क्वीन वॉक चल रही है और मेरे ख्याल से क्वीन वॉक अभी भी एकदम लास्ट तक चलने वाली है। बलून्स मेरे कोर में है कुछ, तो वहाँ पे आपको रेज यूज़ कर लेना चाहिए या फिर हेस्ट, जो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा स्पेल यूज़ करने से ज़्यादा वैल्यू ले पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हेस्ट किया बलून्स को और यहाँ पे मेरे ड्रैगन्स जो है वो भी हेस्ट के अंडर है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हम वैल्यू निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पॉइंट में, आप अच्छे से देखिए, मैं 5 ड्रैगन्स लेके आया था, आपने पहले देखी थी मेरी आर्मी में। यहाँ पे मेरे 3 ड्रैगन्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे अभी भी मेरे दोनों ड्रैगन बिल्कुल बचा हुआ है। एक माइन यहाँ पे एक ड्रैगन को टेक डाउन कर देगा, पर फिर भी आप सोच सकते हैं कि 5 ड्रैगन्स, ओनली 5 ड्रैगन्स से आप कितना अच्छा अटैक कर सकते हैं अगर आप अच्छे कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो एक मिनियन था मेरे पास जिसको मैंने यहाँ पे क्लीनअप के लिए रखा था, जो कि क्लीनअप करेगा, और यहाँ पे मेरी क्वीन वॉक जो है अभी भी चल रही है। मेरे पास अभी भी 1 हेस्ट और 1 रेज पड़ा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसा चलता है। क्वीन जा रही है, ये लास्ट वाला जो एयर डिफेंस है उसे टेक डाउन करने मैंने रेज यूज किया ताकि क्वीन जल्द से जल्द ये वाली एयर डिफेंस को निकाल दे, ताकि मेरे ड्रैगन्स को कोई हार्म ना हो और आराम से ये बेस जो है हम लोग 3-स्टार कर लें। तो गाइज, ये वाली स्ट्रेटजी के ऊपर मैं अच्छा खासा काम कर रहा था और मेरे को बड़ा पसंद आया स्ट्रेटजी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी ये स्ट्रेटजी यूज करें, और थोड़ी रिफ्रेशिंग स्ट्रेटजी है क्योंकि ड्रैगन्स तो सब लाइटनिंग से यूज़ करते हैं या फिर ड्रैगन्स को स्पैम करते हैं विथ यूजिंग रेज एंड हील। तो ये वाली स्ट्रेटजी आपको खासी पसंद आएगी। और कौन से लेवल से क्वीन वॉक करेंगे टाउन हॉल 9 में, अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो लेवल 15 है, क्योंकि उससे अगर लो लेवल की क्वीन हो तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये पहला अटैक था गाइज, अब सेकेंड अटैक में जंप करेंगे और वो वाला अटैक भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। चलिए वो वाला अटैक देख लेते हैं एक बार।
सो फ्रेंड्स ये रहा सेकंड बेस, इस बेस में भी कोई शिकायत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट मैक्सड आउट है, सारे डिफेंसेस वॉल्स भी बहुत सारे मैक्सड आउट है, हीरोज सब कुछ ठीक ठाक इस बेस में है। और इसमें भी हम लोग सेम स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं, वही क्वीन चार्ज ड्रैगन है मेरे पास और एक छोटा सा लालो पोर्शन सीसी में मेरे पास एक लावा हाउंड है, उनके पास 8 बलून्स हैं। तो देखते हैं कैसे ये बेस को हम लोग इजीली 3 स्टार करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से मैंने क्वीन वॉक स्टार्ट करा इस कॉर्नर से। और जैसे कि आपको पता है कि क्या करना है, आपको आपको रेज यूज करना है अगर क्वीन अगर मर रही होगी या फिर क्लैन कासल के ट्रूप्स निकलते हैं, और उसी के साथ आप एक बेबी ड्रैगन्स यूज करेंगे ताकि क्वीन की जो पाथ है, जो पाथिंग है क्वीन की, वो बड़ी अच्छी रहे। मैंने यहाँ पे बेबी ड्रैगन यूज़ करा है ताकि मैं चाहता हूँ कि क्वीन मेरी बाहर ना निकल जाए और अंदर ही रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी भी मैंने रेज यूज़ नहीं करा क्योंकि मेरे को पता था 2 पॉइंट डिफेंस जो है वो टेक डाउन नहीं कर सकते मेरी क्वीन को। तो यहाँ पे मैंने रेज यूज़ करा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एयर डिफेंस एक्सपोज है, ये वाला एयर डिफेंस मैं निकाल लूंगा आराम से क्वीन की हेल्प से। और यहाँ पे मैंने किंग को यूज़ करा ताकि मेरे को पता है कि किंग यहीं पे अंदर जाएगा क्योंकि मैंने वॉल ब्रेकर्स यूज़ करे थे, तो किंग अंदर आके एक एयर डिफेंस और टेक डाउन करेगा। उसी के साथ यहाँ पे एनिमी क्वीन थी जिसे हमने टेक डाउन किया और मेरे हीलर्स थोड़े अफेक्टेड हो रहे थे यहाँ पे एयर डिफेंस की वजह से, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने आराम से इस बेस को निकाला। यहाँ पे मेरे जायंट्स कुछ निकले थे सीसी से, और एनिमी सीसी का जायंट्स अगर निकलता है तो थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि जायंट्स की हिट पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसे टेक डाउन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पर फिर भी क्योंकि ज़्यादा जायंट्स ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उतना ज़्यादा आपको डरने की कोई बात नहीं होती। पर यहाँ पे क्वीन वॉक है जो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी, पर फिर भी इस बेस को हमने 3-स्टार किया, इसलिए मैं ये वाला अटैक आपको दिखाना चाहता था कि अगर आपको क्वीन वॉक फेल भी हो जाता है, जैसे कि मेरे यहाँ पे क्वीन वॉक फेल हो गया था, ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे कर नहीं पाया था, मेरी क्वीन लास्ट तक जिंदा नहीं थी, पर फिर भी यहाँ पे हमने आराम से इस बेस को क्लियर किया। देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैगन्स मेरे काम कर रहे हैं, फनल कर रहे हैं ताकि मेरा जो लालो पोर्शन अभी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं वो बहुत ही स्मूथली जाए। तो यहाँ पे मैंने बलून्स डिप्लॉय करे 3-3 के काउंट में, और उसके बाद मेरा लावा हाउंड अंदर जा रहा है। हेस्ट स्पेल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बलून्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हेस्ट स्पेल्स को यूज़ करने की कोशिश करें क्योंकि ड्रैगन्स को हेस्ट करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, बलून्स को हेस्ट करेंगे तो वैल्यू आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक हेस्ट यूज़ किया और सेकंड रेज भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफेंस जो थे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थे, तो यहाँ पे अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ रेज तो बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है, मेरे को बहुत अच्छी वैल्यू मिली भी। और देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे डिफेंस डाउन हो चुके हैं, सिर्फ एक कंपार्टमेंट में एक आर्चर टावर, क्योंकि वही एयर टारगेटिंग ट्रूप है, सॉरी डिफेंस है, एक आर्चर टावर और एक विजर्ड टावर यहाँ पे बचा हुआ है, बाकी सारे एयर टारगेटिंग जितने भी डिफेंस है सबको हमने क्लीन कर दिया है, पर यहाँ पे एक विजर्ड टावर बचा है जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे यहाँ पे स्केलेटन ट्रैप्स हैं और स्केलेटन ट्रैप्स सच मानूं तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं, मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं, खास करके बलून अटैक में और हॉग अटैक में स्केलेटन ट्रैप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। फिर भी यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई और बेस को ईजिली 3-स्टार किया क्योंकि 4 ड्रैगन्स बचे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ड्रैगन बचे हुए हैं और यहाँ पे 1 ड्रैगन, मतलब टोटल 4 ड्रैगन बचे हुए हैं, तो 5 ड्रैगन में से 4 ड्रैगन बच जाता है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छी अटैक बोल सकते हैं आप लोग। तो गाइज ये 2 स्ट्रेटजी मैं आपको दिखाना चाहता था, 2 स्ट्रेटजी नहीं, ये 2 अटैक्स मैं आपको दिखाना चाहता था जो कि काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, और ये वाली स्ट्रेटजी भी मेरे को काफ़ी पसंद आई। और गाइज कुछ और स्ट्रेटजीज के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ जो कि आपको आने वाले 1-2 दिन में शायद वीडियोज़ मिलेंगे, तो ज़रूर मेरे को बताना आप कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ये अटैक, और लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको पसंद आया, और अपने थॉट्स बताना कि क्या चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें मैं करूं। टाउन हॉल 8 के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि टाउन हॉल 8 के कुछ स्ट्रेटजीज मैं शेयर करूँ, तो उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, तो देखते हैं कब तक हो जाता है, और जैसे ही हो जाएगा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, होप श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अच्छे रहना एंड एज यूजुअल जय हिंद।